आतंकी के खिलाफ चार एक्शन करते हैं और 20 सिविलियन मार देते हैं, तो ये एक्शन इनका आतंकियों के खिलाफ कम होता है, सिविलियंस के खिलाफ ज्यादा होता है। हमने पुलवामा में देखा 13 सिविलियन मारे और एक आतंकवादी मारा, तो ये इनका निशाना आतंकवादियों से ज्यादा सिविलियन पर ज्यादा होता है। जो अभी देखिए कांग्रेस में जो गुफ्तगू हुई है, कांग्रेस ने की है, बीजेपी से कहा है कि भई आप पाकिस्तान पर इल्जाम मत दो, आप अपने घर को देखो, जो कुछ तुम कर रहे हो कश्मीर के अंदर, जितना जुल्म तुमने डाया, उनके हकूक तुमने गसब किए हैं, जो तुम कर रहे हो, और पाकिस्तान की तरफ इल्जाम दे के तो आप इस मसले को हल तो नहीं कर सकते। एक ऐसा समझौता होना चाहिए हिंदुस्तान पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान जिसमें दाखिली आजादी मिलेगी, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद नहीं बदलेगी और लोगों को राहत हो जाएगी। तो आपको मैं बता रहा हूं, फौज किसी से कश्मीर नहीं रह सकता, इसमें कोई आपको कामयाबी नहीं होगी, चाहे आज मानो या कल मानो, आपको ये मानना पड़ेगा। दिमागों में जो परेशानी है कश्मीर के नौजवानों में, कश्मीर की लीडरशिप में, उस तक पहुंचा जाए। एक ऐसा समझौता होना चाहिए हिंदुस्तान पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान जिसमें दाखिली आजादी मिलेगी, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद नहीं बदलेगी और लोगों को राहत हो जाएगी।